नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आप आईएएस के चैनल में। मित्रों, जैसा कि टीम ने आपसे वादा किया था कि हम आपको पूरी यूपीएससी की 365 डेज की करंट सीरीज लॉन्च करेंगे, तो वैसा हम ये टीम आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आ रही है। और हम ये हमारा है पहला सीरीज, इस करंट अफेयर्स की पहली सीरीज है जो कि हम लॉन्च करने वाले हैं। और आप आईएएस पूरी तरह से अपने अकाउंटेबिलिटी, एश्योरिटी और प्रोफिशिएंसी के साथ आप लोगों के सामने जो पूरी सीरीज लेकर के आ रही है, और जो पूरी तरह से निश्चित तौर पर टीम आशा करती है कि निश्चित तौर पर ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। और फ्रेंड, हम इसमें जो तो कुछ नए चीज़ें भी ऐड करने वाले हैं कि हम हर वीडियो में, हर करंट अफेयर्स की जितने भी वीडियो हम लॉन्च करने वाले हैं, 10 से 15 वीडियो हम पूरा ख़त्म कर देंगे। और इसमें हम आपको कुछ लास्ट में क्वेश्चन भी दिया करेंगे ना, कि उसमें से जैसे हम पूरा करंट अफेयर्स जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिख करके आंसर देने हैं, और उनके आंसर्स नेक्स्ट सीरीज में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि निश्चित तौर पे यदि आप वीडियो को इत्मीनान से ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित तौर पे आप उनको टिकल कर लेंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को टिकल कर लेंगे। और हम आपको यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ट्रेंड भी बताते हैं। जरूर से जरूर देखें, और 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे जरूर पूरे, आपको जितने भी टॉपिक हैं इस करंट अफेयर्स में जो हमने हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम ने मिलकर इसको तैयार किया है, तो निश्चित तौर पर उसका आपको एक सकारात्मक लाभ मिलेगा। और क्योंकि जो करंट अफेयर्स के देखते हैं कि मतलब कि बहुत ही कम हिंदी मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू देखते, तो बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है छात्रों के साथ, कि उनको यूट्यूब में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमारी टीम ने इस दिशा में गहन विचार किया, उसके बाद जो है तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशल तौर पर जो है तो हिंदी मीडियम के लिए जो है तो बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही रिलेवेंट करंट अफेयर्स का पूरा एकदम वो सीरीज ही लॉन्च करने वाले हैं, जो कि शुरू में स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ। और ये सिर्फ हिंदी मीडियम तक ही सीमित तो नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी काफ़ी इजी ढंग से इसमें बताया जाएगा, तो आप लोग इसका जरूर से जरूर फ़ायदा उठाएं ना। तो हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि अपनी पहला टॉपिक है कि मलेरिया का पहला टीका। ये टॉपिक था कि जैसे कि हम डिस्कस करके जो अप्रैल 2019 में अफ्रीकी देश जो मलावी है ना, तो मलावी में ये जो टीका लॉन्च किया गया था मलेरिया का। ठीक है, ये भी याद रखना है कि मलेरिया का पहला टीका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, और इसकी बात करते हैं, इसकी खासियत ये है कि 2 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए मलेरिया का टीका जो है तो सबसे पहले इनके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बारे में चलते हैं कि इसका नाम क्या है ना। तो ये जो मलेरिया का टीका है इसका नाम है RTSS। ठीक है, RTSS है, और साथ ही साथ जो है साइंटिस्ट का ऐसा दावा करना है कि जो है तो मलेरिया को कंट्रोल करने पूरी तरह से सफल होगा। ठीक, वहीं यदि हम इसकी बात करते हैं तो जो RTSS जो है ना, तो ये SY ट्रेड नाम है, यानी कि मॉस्क्यूरिक्स एक इंजेक्शन वैक्सीन ये है। ये कैसा वैक्सीन है? इंजेक्शन वैक्सीन है जो कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रचलित मलेरिया पी फाल्सी पेरम को लक्षित करेगा। यानी कि ये भी याद रखना कि जो मलेरिया के कई टाइप के क्राइटेरिया होते हैं, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कौन सा मलेरिया का जो टाइप देखा जाता है, फिर फाल्सी पेरम, तो उसी को मोस्टली जो है ये कवर करता है RTSS। ठीक है, साथ ही साथ इस पर और भी कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर नज़र डाल लें, तो जो टीका है वो 5 महीने से 2 साल तक के बच्चों के लिए ही मतलब कि ये होगा। ये भी कुछ इसमें UPSC कभी कभी अपने इसमें डाल देता है ना कि स्टेटमेंट दे देता है कि इसमें से कभी कभी फैक्चुअल स्टेटमेंट भी डाल देता है, तो इसमें भी थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ जो मलेरिया का टीका है लगाने की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है, तो घाना और केन्या में भी ये आगे इसको की जाए, मलावी में सबसे पहले हुआ है, उसके बाद भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा है ना। इसके जब पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे तो घाना और केन्या में भी, और सबसे ज़्यादा जो वैसे भी मलेरिया की मतलब समस्या अफ्रीकी देशों में देखी जा सकती है ना। वहीं यदि और अन्य उस पर फैक्ट पर नज़र डालें, तो वैक्सीन को जो GSK द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। जो कंपनी है वो शुरुआती प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लगभग 10 मिलियन खुराक जो तो फ्री तौर पे जो है तो डोनेट कर रही है। ठीक है, ये साथ ही साथ ये जो टीका है तो इसको तो 1987 में GSK ने बनाया था, जिसे बाद में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की हेल्प से जो है तो इसको और ज़्यादा डेवलप किया गया था इस टीके को है ना। हम इसके और भी यदि थोड़ा सा मलेरिया के उस पर संदर्भ में यदि बात करें तो ग्लोबल लेवल पर देखते हैं, तो जैसे कि मलेरिया तो वैसे भी एक वैश्विक समस्या है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा मौतें अफ्रीकी देशों में देखने को मिलती हैं है ना। और WHO के अनुसार यदि बात करते हैं तो अफ्रीका में जो मलेरिया की वजह से हर साल लगभग 2.5 लाख लोग जो है तो इसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं मलेरिया की वजह से, और साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में हर साल लगभग 4,35,000 लोग जो है तो इस बीमारी की वजह से मृत्यु का शिकार होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस बीमारी से जो है तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके मरने का सबसे ज़्यादा परसेंट देखने को मिल रहा है, उनको सबसे ज़्यादा मलेरिया का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है
पंचलोहा की मूर्ति, ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी चर्चित भी रहा है ना, पंचलोहा की मूर्ति से रिलेटेड, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान नज़र डालते हैं इसके उस पर है ना। तो ये जो पंचलोहा की मूर्ति की बात करते हैं, तो ये पंचलोहा जो है तो इसमें जो है तो कौन कौन से वो डले हुए हैं, तो इसमें है सोना, सिल्वर, कॉपर, जिंक और आयरन, इनका जो मिश्रण है ये है पंचलोहा। ठीक है, याद रखना कौन कौन से इसमें वो डाले गए हैं, तो है सोना है, सिल्वर, कॉपर, जिंक और आयरन। ठीक है, इनके ये मिश्र धातु है। साथ ही साथ कुछ मामलों में तो इसमें थोड़ा सा जस्ता के बजाय टिन या शीशे का भी प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ ये होते, मतलब कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी देखी जा सकती है। साथ ही साथ ये जो बहुत प्राचीन शिल्पकला है जो अपनी सुंदरता और उससे जुड़ी परंपरा की भावना के कारण ये डेवलप की गई थी। साथ ही साथ ये जो है तो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत का एक विशिष्ट कला के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में मोस्टली देखा जाता है, अक्सर जो होती है तस्करी के कारण जो है तो काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है, ये पंचलोहा की मूर्तियाँ देखते हुए उनकी आप लोग की किस प्रकार से जो तो मूर्ति चोरी या कितने ज़्यादा मतलब कि केसेस देखने को मिलती हैं। तो साथ ही साथ जो पंचलोहा की मूर्तियाँ उनमें धातुओं के संयोजन बनावट की जो व्याख्या है वो शिल्प शास्त्र में भी वर्णित है, यानी कि इसकी हम प्राचीनता के बारे में देख सकते हैं कितनी इसकी इंपॉर्टेंस हमारे आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना ज़्यादा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं कि जो शिल्प शास्त्र जो है प्राचीन ग्रंथों का एक संग्रह है, इसमें कला, शिल्प और उनके डिजाइन, नियमों, सिद्धांतों और मानकों का वर्णन है इसके संदर्भ में। साथ ही साथ जो तंजावुर जिला है उसका स्वामी मलाई कांस्य और पंचलोहा उत्पादों का केंद्र माना जाता है, तंजावुर जिला। ठीक है, वहीं भारत सरकार ने तो स्वामी मलाई की इस कला रूप को तो एक प्रकार से पेटेंट ही प्रदान कर दिया गया है ना, तो पेटेंट तो यूपीएससी के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये भी आप लोगों के मतलब के ध्यान में रहना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेनिशोवन, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 के उस पर पूछा भी था है ना, लेकिन फिर भी हमने इसको जो तो मतलब कि डाल दिया कि एक बार रिवाइज ही हो जाएगा। आप लोग इसको जो है तो देख सकते हैं कि जब डेनिशोवन जैसे कि हाल ही में जैसे वैज्ञानिकों ने जो प्राचीन होमिनिन समूह के जो है अब तक के सबसे बड़े जीवाश्म यानी जबड़े की हड्डी का पता लगाया है। ठीक है, तो इस प्राचीन होमिनिन समूह को डेनिशोवन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोग मतलब कि इसको मतलब स्पीडली ऐसे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब कि क्योंकि एक बार पूछ लिया गया तो इससे तो क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस बनते हैं ना, फिर भी माइंड में होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो इस पर देखते हैं कि जो डेनिशोवन के संदर्भ में और बात करते हैं, तो जो तिब्बती पठार पर खोजा गया डेनिशोवन समूह का यह जीवाश्म है तो लगभग 160,000 वर्ष पुराना है ना, उससे भी ज़्यादा ही पुराना माना जाता है, और साथ ही साथ साइबेरिया गुफा के बाहर इसे पाया जाने वाला यह जो पहला जीवाश्म भी इसे माना जाता है। मनुष्य है वो सदस्य जीवों के बड़े समूह या परिवार का हिस्सा होते हैं जिन्हें होमिनिड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये था, चलते हम एक इस पर भी चलते हैं कि प्रोजेक्ट 75 भी आप लोग न्यूज़पेपर में भी सुनते होंगे कि प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड पनडुब्बी से रिलेटेड अपने ये भी है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग एक अपना मतलब कि कह सकते हैं कि जो है तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए है ना, कभी कभी पूछ सकता है या कि अदर स्टेट एग्जाम में भी जो है तो पीसीएस के एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए है ना। जो प्रोजेक्ट 75 है तो इसके तहत जो तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है ना यानी मुंबई, यहाँ के द्वारा जो स्कॉर्पिन वर्ग की जो 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कितनी पनडुब्बियों का, 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत हो रहा है ऐसा काम। ठीक है, तो जो स्कॉर्पिन वर्ग की जो पनडुब्बियाँ हैं ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों से चलने वाली पनडुब्बियाँ होंगी, और इसके लिए अक्टूबर 2005 में फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ एक अलायंस हुआ था। ठीक है, जो कि स्कॉर्पियन श्रृंखला की पनडुब्बियों के निर्माण संबंधित ये बातें एक टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करने की बात हुई थी उसमें है ना, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात हुई थी फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ। वहीं यदि हम बात करें तो 14 दिसंबर 2017 को जो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पहली पनडुब्बी आई एन एस कलवरी जो है तो उसको आधिकारिक तौर पर जो है तो नेवी में शामिल कर लिया गया था इंडियन नेवी में। वहीं दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आई एन एस खांडेरी भी जो तो 17 में लॉन्च हो गई थी है ना, ये आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए आईएनएस कलवरी आईएनएस खंडेरी इस टाइप से जो नाम है तो ये आप लोग को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। शेष जो अन्य पनडुब्बी वागीर और वाक्षीर है ये भी अभी जो है तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे 2020 तक, इसको एक प्रकार से पूरी तरह से कवर कर लेने का प्रयास है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि लूनर लैंडर ब्लू मून ये क्या है ना, इस टाइप के यूपीएससी काफ़ी जैसे कि हम देख सकते 2019 में जो साइंस एंड टैक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन देखे गए थे है ना, यूपीएससी ने पूछे थे, तो कभी कभी ऐसे कीवर्ड आ जाते हैं कि आप लोग होता तो काफ़ी इजी होता है
है ना, लेकिन जब हमने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं तो वो फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए जो तो इनका आइडिया हमें होना चाहिए, ऐसे जो कीवर्ड आते रहे तो उनमें भी हमें मतलब कि ध्यान देना चाहिए, है ना। यूपीएससी की करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के साथ देखने को ये मिलती है कि उन्हें यही नहीं पता होता है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सागर में से एक प्रकार से मोती चुनने का काम होता है, है ना। क्योंकि यहाँ यदि आप पढ़ने लगोगे ऐसे बिना सिलेबस को या बिना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को बिना एनालाइज किए आप पढ़ोगे तब तो आप अथाह करंट अफेयर से भर जाओगे, बम्बार्डिंग हो जाएगा और आप बिल्कुल भी उसमें से सही अप्रोच नहीं अपना पाओगे, है ना। इसीलिए जरूरी है कि आप संतुलित तरीके से और आप पुराने पेपर के पैटर्न को एनालाइज करके और जो उसमें से इंपॉर्टेंट हो, है ना, तो उसी को उसी के ढंग से आप बेहतर तरीके से कवर कर सकते हो, है ना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि लोग बोलते हैं कि ये पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें लिमिटेड सोर्स आप ट्रेंड को एनालाइज कर लो, आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे यहाँ पर देखते हैं लूनर लैंडर ब्लू मून, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि हाल में जैसे अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन है उसने लूनर लैंडर का एक प्रकार से अनावरण किया है, है ना, इसे ही ब्लू मून कहा जाता है। ठीक, एक बात करते हैं तो इसका जो प्रयोग है ये 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक परिवहन उपकरणों और संभवतः मनुष्य के लिए भी किया जा सकता है इसका प्रयोग। ठीक है, लूनर लैंडर का ये 2024 तक ये प्रयोग में आएगा। और कहाँ किस लिए आएगा, तो चंद्रमा के साउथ पोल तक एक प्रकार से कह सकते हैं कि परिवहन के उपकरणों और संभवतः मनुष्य के लिए भी जाने के लिए इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है ब्लू लैंडर मून का। ठीक है, या ब्लू मून का। और ये जो लैंडर है ये वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाने के साथ ही साथ मनुष्यों के लिए भी एक प्रकार से रोवर ले जाने में सक्षम होगा। ठीक है, कहाँ, हमारे मून के साउथ पोल पे। वहीं ब्लू मून का जो लक्ष्य है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है जहाँ बर्फ है। ठीक है, साउथ पोल में बर्फ है तो वहीं पास जो है तो इसको लैंड करने का ये टारगेट है। और हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है जो भविष्य में सौरमंडल के अन्वेषण में भी मदद कर सकेगा, यानी कि वहाँ पास हाइड्रोजन की भी तलाश ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पास हाइड्रोजन की काफी उपलब्धता है, है ना। तो वैसे भी भविष्य का एक बेहतर ईंधन माना जाता है हाइड्रोजन। वहीं जो ये लैंडर है ब्लू मून ओरिजिन का चंद्रमा पर अवसंरचना निर्माण के एक विजन का हिस्सा होगा जो भविष्य में मनुष्यों के अंतरिक्ष में बसने और प्रदूषणकारी उद्योगों को पृथ्वी से दूर स्थानांतरित करने की संभावना को और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, ये आपको मतलब नॉर्मल ही इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पास उतरेगा, साउथ पोल पर उतरेगा और 2024 तक उतरेगा। ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए आपको, बस बाकी ज्यादा उसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मंकी पॉक्स वायरस। ये काफी चर्चित रहा, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में, इसके बारे में कई आर्टिकल्स भी आए, है ना। काफी मतलब कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने भी इसके बारे में मतलब कि काफी क्वेश्चन मतलब कि जो टॉपिक था वर्निंग रहा है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर तो मंकी पॉक्स वायरस, यहाँ पास आप लोग जैसे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पास इंफोग्राफिक्स का भी यहाँ पास मतलब कि जो तो हेल्प लिया है, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपको किस प्रकार से प्राइमरीली एनिमल्स टाइपिकली, है ना, रोडेंट्स से कैसे ये बाइट उसके काटने से, है ना, किस तरह से फैलता है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है इसका, है ना, इफ पॉसिबल या लिमिटेड, ये संभव है लेकिन सीमित मात्रा में। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पास हम देखते हैं। तो जैसे कि इसके मामले की बात करें तो जो सिंगापुर में ये पहला मामला देखा गया था मंकी पॉक्स वायरस का। ठीक है, मंकी पॉक्स क्या है, वायरस है, ये भी याद रखना है, बैक्टीरिया नहीं वायरस, ये भी याद रखना, क्योंकि कभी यूपीएससी जो तो घुमा देता है ना, ये बता देगा कि ये जो तो विषाणु जनित बीमारी है, है ना, विषाणु जनित रोग है, जबकि है ये क्या, वायरस जनित, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ जैसे कि ये एक ऐसा आर्थ्रोपॉक्स वायरस है जिसके कारण वायरल डिजीज हो सकता है। ठीक है, वायरल डिजीज हो सकता है जिसके लक्षण स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है, इसमें जो चकत्ते चकत्ते टाइप से आप शरीर में दाने दाने पड़ जाते हैं उसी टाइप से इसके भी लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये मैमल सहित कशेरुक और अकशेरुक जीवों में भी पाया जाता है, है ना। और इसका जो आमतौर पर संक्रमण होता है संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से होता है और मनुष्य इससे कम ही संक्रमित होते हैं, किंतु है ना स्पेशली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो संक्रमण जो फैलता है तो ये जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है, स्पेशल बात यहाँ पास ये हुई। साथ ही साथ मनुष्य इससे बहुत ही कम संक्रमित होते हैं लेकिन मध्य और पश्चिम अफ्रीका के गांवों में इससे जुड़े काफी मामले देखे गए हैं। इस वायरल के अधिकतर मामले उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के करीब पाए जाते हैं जहां लोग संक्रमित जानवरों के अक्सर संपर्क में आते हैं, वहां पर जानवरों की ज्यादा मतलब कि लोग उनसे ज्यादा जुड़े होते हैं, इसलिए ये बीमारी वहां पर फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और इस संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार तो यहाँ पास नहीं देखा गया, अभी तक नहीं हुआ है, ना ही कोई टीका उपलब्ध है इसके लिए, ये भी याद रखने की इसके लिए कोई भी अभी टीका उपलब्ध नहीं है, है ना। लेकिन इसके प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब ये अभी अनकंट्रोल नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अभी इसका कोई मतलब टीका वगैरह अभी वैक्सीन वगैरह इसका नहीं उपलब्ध है। ठीक है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, कि मिशन आर्टेमिस, ये भी काफ़ी चर्चित रहा। मिशन आर्टेमिस के बारे में हम लोग जानते हैं कि मिशन आर्टेमिस क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो ये जैसे बात करते हैं कुछ नासा चंद्रमा है तो एक नए मानवयुक्त मिशन की योजना बना रहा है। ठीक है, कहाँ के लिए, चंद्रमा के लिए जो नासा का ये विजन है वो नए मानवयुक्त मिशन की योजना बना रहा है
जिसका नाम आर्टेमिस रखा गया है। ग्रीक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा की देवी आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन थी, इसके नाम पर रखा गया नाम। साथ ही साथ 2017 में जो तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अंतरिक्ष नीति निर्देश यानी कि स्पेस पॉलिसी उन्होंने डायरेक्टिव पर एक साइन किया था, इसके साथ बाद ही जो है तो मिशन आर्टेमिस की शुरुआत हो गई थी, है ना। और इस मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, ठीक है। और ये जो है 2024 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा और इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। ये भी याद रखने वाली बात है कि महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी और ये भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही उतरेगा। जो ब्लू लैंडर मून वाला जो हम लोगों ने देखा था पिछले में, वो भी 2024 तक था और वो भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही उतरेगा, है ना। उसी के उसमें भी ये भी जो है तो शामिल था। हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है केरल आपदा सेस या फ्लड सेस। तो हम ये देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा भी केरल में कितना भीषण तबाही देखी गई थी, है ना, उसमें वहाँ पास कितना बाढ़ की समस्या देखी गई, तभी जो है तो ये पहला ऐसा मामला देखने को मिला कि केरल आपदा सेस या फ्लड सेस लगाया था। ये पहला ऐसा राज्य बना था केरल, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही स्पीडली देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मैं नहीं मानूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत से आप लोगों के एक प्रकार से माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हर कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी वैसी बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है ना, लेकिन फिर भी इतना भी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल नहीं है। हम यदि पिछले क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल में हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पीडली इसको देखते हैं कि जैसे 1 जून 2019 से राज्य में लगभग 5% से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं पर 1% का जो होता है इन्होंने अतिरिक्त कर आरोपित करके, मतलब कि 2 वर्ष तक के लिए जो तो फ्लड सेस उन्होंने लगाया था केरल राज्य ने। केरल आपदा सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य बना था, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट है। इस आपदा सेस उपक्रम का उद्देश्य जो था राज्य के पुनर्निर्माण हेतु धन जुटाना है, जो कि अगस्त 2018 में जो बाढ़ के कारण हुई थी समस्या उसके लिए, ठीक है, ठीक है। टैक्स लग रहा है तो टैक्स के भी ऊपर टैक्स लग गया तो ये हो गया सेस या उपकर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। एक बार इसका उद्देश्य तो पूरा हो जाता है उसके बाद इसे इस पर रोक लगा दी जाती है, यानी इसे बंद कर दिया जाता है। अन्य करों जैसे कि अन्य भारतीय राज्यों के साथ साझा किया जाता है, जैसे इसके विपरीत जो उपकर होते हैं, तो उपकर के यानी कि यहाँ पास आप सिर्फ इतना जाने कि जो अन्य टैक्स होते हैं तो अन्य टैक्स की शेयरिंग जो होती है तो अन्य के साथ होती है, लेकिन ये जो होते हैं इनकी जो शेयरिंग होती है जो लिमिटेड जो टारगेट हमारा किया जाता है उसी टारगेट को पूरा करने में ही इसको फोकस होता है, है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन वैसे नहीं होता है ना, तो ये है। साथ ही साथ जो समर्पित खातों में स्थानांतरण होने से पहले जो सेस से प्राप्त राशि को भारत के समेकित निधि या कंसोलिडेटेड फंड पर ही इसे रखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि उपकर के प्रकार में आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये इजली मतलब चीज़ें हैं, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हैं वीर सावरकर, इनसे रिलेटेड ये भी काफ़ी मतलब कि चर्चित रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें कि इन्होंने जो तो सावरकर इंडिया हाउस नामक एक राष्ट्रवादी संस्था बनाया था, उससे ये जुड़े थे। साथ ही साथ अभिनव भारत ये भी यूपीएससी में पूछा गया था 2018-19 में ही पूछा गया था, अभिनव भारत किसकी स्थापना किसने की थी, है ना। अदर स्टेट में पीसेस में भी पूछे जाते हैं इस तरह के संस्था के नाम, तो अभिनव भारत की भी इन्होंने शुरुआत की थी। साथ ही साथ फ्री इंडिया सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। वहीं 1910 में सावरकर क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक है। वहीं 1911 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को लगभग 50 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी दी थी और साथ ही उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप में भेज दिया गया था, है ना, काला पानी की सजा दी गई थी। तो वहीं 1921 में जब वो रिहा भी हो गए थे, तो ये एक प्रकार से हम इनके पूरी उस व्यक्तित्व का यदि हम परीक्षण करें, है ना, तो देखें तो ये सावरकर जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार माने जाते हैं, ठीक है। 1923 में उन्होंने हिंदुत्व शब्द की भी व्याख्या की थी, ठीक है। 1923 में उन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की थी और ये कहा था कि भारत केवल उन्हीं लोगों का है जो इसे पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं, ठीक है। वीर सावरकर ने तो अपनी पुस्तक हिंदुत्व उनकी उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने दुराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, है ना, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के लिए 2 अलग अलग राष्ट्रों की कल्पना की थी। वहीं 1937 में हिंदू महासभा ने एक संकल्प के रूप में भी इसे पारित भी किया था, दुराष्ट्र वाला सिद्धांत जो है तो इसके थ्रू ये बात करें। वहीं यदि हम 2000 में बात करें, 2000 में तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित हवाई अड्डे का नाम भी वीर सावरकर के नाम से रखा गया है ना, इनकी याद में। तो ये था सावरकर के बारे में। वहीं हम चलते हैं, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है कि माउंट अंगुंग ज्वालामुखी, ये भी ज्वालामुखी जो मतलब कि विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो ये भी काफ़ी चर्चित मतलब कि रहा था, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत मतलब कि जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं। जैसे इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर स्थित ये सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अंगुंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि इंडोनेशिया के कौन से द्वीप में है, बाली द्वीप में स्थित है। वहीं ये कैसा ज्वालामुखी है,
सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, सुसुप्त नहीं ना प्रसुप्त, ये सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस की स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहीं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, वहीं माउंट अंगुंग जो है तो एक सक्रिय ज्वालामुखी तो है ही, साथ ही साथ इसे बात करते इसे तो गुनुंग अंगुंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वहीं ये बाली द्वीप का सर्वोच्च स्थान इसे माना जाता है माउंट अंगुंग को। वहीं जागृत ज्वालामुखी तो है ही, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि ये ज्वालामुखी है, लंबा और शंक्वाकार होता है। ये ज्वालामुखी का बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि ये जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, है ना, तो इसके बारे में ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर हम विस्तार से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, है ना, इसके बारे में खाली आप लोगों को तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जानना है। तो इस पर जैसे देखते हैं कि इंडोनेशिया में तो ऐसी ज्वालामुखी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं ना, क्योंकि ये देश जो है तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये भी एक जानने की बात है कि आखिर इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी मतलब कि ज्वालामुखी घटनाएं क्यों ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो इसके पीछे भी रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो है तो ये जो देश है ये रिंग ऑफ फायर के उस पर जो है तो जो प्रशांत महासागर है उसके रिंग ऑफ फायर के उस पर स्थित है, ठीक है, जहाँ पास जो विवर्तनिक प्लेटें हैं वो आपस में टकराती रहती हैं, उसी के फलस्वरूप जो भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। वहीं 75% टू 750 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर पर ही स्थित हैं, ठीक है, तो पता ही होगा कि सब मतलब कि ज़्यादातर जो ज्वालामुखी हैं वोल्केनो हैं तो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र पर ही स्थित हैं, और 90% जो भूकंप जो है तो इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों के टकराने के कारण ही आते हैं, ठीक है। वहीं जावा बाली और कई अन्य इंडोनेशिया जो द्वीप हैं उनके ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया और सुंडा टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव के द्वारा निर्मित होते हैं। सुंडा जावा ट्रेंच की बात करते हैं तो सुंडा जावा ट्रेंच जो है इनका निर्माण ऑस्ट्रेलिया प्लेट और सुंडा प्लेट इनके बीच के टकराने से होता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया प्लेट सुंडा प्लेट के नीचे आ जाती है, ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है ना कि इसमें से ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है तो सुंडा प्लेट के नीचे आ जाती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया प्लेट जब लगभग 100 मील की गहराई तक पहुंच जाती है तब ये पिघलने लगती है, और ये गर्म वही ज्वालामुखी की प्रोसेस है नहीं, तो ये हम लोगों ने देखा। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है प्यूर्टो विलियम्स। ये क्या है प्यूर्टो विलियम्स, ये भी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है इसको भी, क्योंकि हमने देखा कि जो प्यूर्टो विलियम्स है ये चिली के पास, ये जो अब दुनिया का ये सबसे दक्षिणी शहर माना जाता है प्यूर्टो विलियम्स, ठीक है, ये विश्व का सबसे दक्षिणी शहर माना जाता है। आपको इसकी लोकेशन जरूर मैप पे जो तो देखनी चाहिए, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि मैपिंग से रिलेटेड भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो इसलिए आपको इसकी लोकेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए, कहाँ पास इस सिटी का किस अक्षांश किस देशांतर पे है ना, कहाँ पास इसकी एक्चुअल लोकेशन है, कौन सी सिटी उसके कौन सी कैपिटल उसके नियरेस्ट है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को इसका अंदाज़ा होना चाहिए, तो ये आप लोग मैप से इसको पता कर सकते हैं। अब ये वर्ल्ड का सबसे दक्षिणी शहर बन चुका है प्यूर्टो विलियम्स, ठीक है, पहले कौन सा था, उसुआ जो कि अर्जेंटीना का था, सबसे दक्षिणी था, अब बन गया है क्या प्यूर्टो विलियम्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। आप लोग यहाँ मैप पे देख सकते हैं प्यूर्टो विलियम्स की लोकेशन की बात करते हैं, तो ये है प्यूर्टो विलियम्स, ठीक है, यह प्यूर्टो विलियम्स की लोकेशन है। और यदि बात करें पहले जो कौन सा था, तो पहले था उसुआ जो कि अर्जेंटीना पे था, लेकिन ये जो प्यूर्टो विलियम्स है इसकी लोकेशन क्या है, चिली पे है ये, ठीक है, साउथ अमेरिका के अपने पोर्शन पे है, आप लोग जा सकते हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसी में इसकी लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जाने कि प्यूर्टो विलियम्स जो है ये चिली में नवारिनो द्वीप पर जो है तो मुख्य बस्ती बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है, ठीक है, इसकी यदि हम और भी इसके उस पर जाने का प्रयास करें तो, और ये जो बीगल चैनल है उसके सम्मुख है, इसकी लोकेशन के बारे में देख सकते हैं। जो प्यूर्टो विलियम्स है ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के सुदूर दक्षिणी सिरे पर एक गाँव है, इसे चिली के अधिकारियों के द्वारा शहर की श्रेणी में अपग्रेड कर दिया, गांव था जिसे वहां के अधिकारियों के द्वारा सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है ना, जो कि इसे दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर बनाता है। प्यूर्टो विलियम्स ने खिताब के लिए पड़ोसी अर्जेंटीना के टियरा डेल फ्योगो में उसुआ को पदस्थापित किया था, ठीक है, ये इसकी लोकेशन थी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी इसके आर्टिकल भी लिखे गए थे है ना, जब मसूद अजहर को भारत मतलब कि जो है तो वैश्विक आतंकवाद आतंकी घोषित करने के लिए प्रयास कर रहा था, तो वहां पर जो चीन की वजह से जो है तो वीटो कर देता था, उसकी वजह से जो तो समस्या हो जाती थी, वो नहीं वैश्विक आतंकवादी नहीं घोषित हो पाता था, ब्लैक लिस्ट में उसको नहीं कर पाते थे, लेकिन अचानक ही जो है तो चीन ने उस पर फिर वो वीटो नहीं किया और जो है तो ये वैश्विक आतंकवादी मसूद अजहर बन गया है ना, और इसे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया। ये भारत की कह सकते हैं कि एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी इसे दिखाया गया, और ये वास्तव में ये है भी भारत के लिए भी गर्व की बात है, इससे जो तो कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है कितनी परिपक्व विदेश नीति है ना, और भारत की जो छवि है ना, तो वैश्विक लेवल पर इसमें देखने को मिल सकता है कितनी मतलब कि भारत के मतलब कि भारत की बातें भी अब वैश्विक लेवल पे सुनी जा रही हैं है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसे पाकिस्तान से जो जैसे मोहम्मद का ये सरगना माना जाता है मसूद अजहर है ना, तो ये ब्लैक लिस्टेड हो चुका है,
वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है ना। तो यदि हम इसके बारे में देखें, जो मसूद अजहर है, तो ये मसूद अजहर ही था जो कि पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद, इसका तो प्रमुख है ही। वही यदि बात करें कि किस प्रकार से भारत के लिए क्यों ज़्यादा मोस्ट वांटेड ये है, 2001 में संसद हमला, ठीक है, वहीं फरवरी में हाल ही में पुलवामा नरसंहार से कई भारत में आतंकी गतिविधियों में ये संलग्न रहा है ना। साथ ही साथ हालिया जो विकास, अब संयुक्त राष्ट्र के जो 1267 है ना, 1267 जो प्रतिबंध समिति है, उसने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी करार दिया है। अब यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखें, जैसे वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से क्या होगा है ना, तो वैश्विक आतंकवादी जब घोषित हो गया मसूद अजहर, तो अब क्या होगा, उसकी जो परिसंपत्ति है वो फ्रीज कर दी जाएगी, और उस पर जो यात्रा वगैरह जो विदेश की यात्रा करता था उसमें भी प्रतिबंध लग जाएगा, और हथियार पर भी उसे प्रतिबंध लग जाएगा, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें कि आखिर किसके तहत, जैसे 1267 की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये प्रस्ताव आया था 1267, इसके थ्रू इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1267 है, ये नामित आतंकवादी और आतंकवादी समूहों के खिलाफ प्रतिबंधों को ये निर्धारित करता है। 1999 में यूएन ने तालिबान और ओसामा बिन लादेन से संबद्ध किसी पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए अलकायदा तालिबान प्रतिबंध समिति यूएनएससीआर 1267 की स्थापना की थी। तब से ये 1999 में यूएन तालिबान और ओसामा बिन लादेन से संबंधित जो है, तब से ये 1267 ये प्रतिबंध समिति की उससे ये लाया गया था, है ना। तो 2001 में यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा एक जैसे मोहम्मद को आतंकवादी समूह के रूप में भी घोषित किया गया था। वहीं 2015 में यूएनएससी ने इसका नाम आईएसआईएल और अलकायदा प्रतिबंध समिति यूएनएससीआर 2253 रखा गया था, है ना। यानी कि ये जो गुट था, है ना, जैसे मोहम्मद, ये तो था आतंकी समूह जो डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन ये जो मसूद अजहर, इसका जो सरगना था उसे नहीं घोषित किया गया था, जो कि अब मसूद अजहर को भी घोषित कर दिया गया है, है ना, ग्लोबल टेररिस्ट की उस पर सूची पे। नेक्स्ट चलते हैं, जीएसटीएन में भी काफ़ी चर्चित रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि माल और सेवा कर नेटवर्क क्या है ये, है ना। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ये जो है, तो ये आयकर विभाग और माल और सेवा कर नेटवर्क, ये दोनों के बीच एक कास कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक रूप से एक सूचना साझा करने की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए, ये मतलब कि कुछ इनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। ऐसे इसमें बात करते हैं, कुछ इसके बारे में हम देखने का प्रयास करें। तो जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में जो चोरी वगैरह होती है, इससे संबंधित जो अंडर रिपोर्टिंग के बारे में भी ये जानकारी मतलब कि साझा की जाएंगी, तो इससे संबंधित ये कुछ समझौते हुए थे। खैर इसके बारे में तो ठीक ही है, हम इसके बारे में थोड़ी जीएसटीएन के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि ये मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। जैसे कि हम बात करें तो जीएसटीएन को केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये जीएसटीएन कैसे है, ये किसके थ्रू है, ये भी यूपीएससी में कभी कभी पूछ दिया करता है। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो धारा 8 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। वहीं जैसे नई कंपनी होती है, नई कंपनी अधिनियम के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां धारा 8 के तहत शासित होती हैं, ठीक है। यदि हम इसके बारे में और भी जानने का प्रयास करें, तो इसी 2013 में शामिल किया गया था। यह मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए एक प्रकार से आईडी मतलब कि अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि जो जीएसटी है उसके बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए, उसके सर्विस को बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए जीएसटीएन को गठित किया गया है, ठीक है। इसके लिए हम स्वामित्व की बात करते हैं, तो स्वामित्व की बात करें तो सितंबर 2018 में जो है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन है, उसको सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दिया था, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से ये जो जीएसटीएन है, ये कंपनी है जिसको सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी डिक्लेयर किया गया है, ठीक। यदि हम इसके शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, तो वर्तमान में केंद्र और राज्य जो है एक साथ जीएसटीएन में 49% हिस्सेदारी रखते हैं, 49% इन द सेंस ऑफ कि 24.5% जो है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और वही 24.5% जो है तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। तो 49% जो है तो हिस्सेदारी किसकी होगी, केंद्र और राज्य सरकार को होगी। वही शेष जो 51% इक्विटी होगी, वो गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों के द्वारा इसकी फंडिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये बात हुई। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जब इसमें शेयरिंग जो होती है, तो मतलब मोर देन 50% हो जाती है जिसकी, तो उसी ऑनरशिप उसी की मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पास इसमें हम देखते हैं, अब ये देखें तो ये 100% सरकारी स्वामित्व वाले पुनर्गठन जीएसटीएन में केंद्र 50% और राज्यों के
50% के बीच एक कस समान इक्विटी संरचना होगी। इसमें कुछ फेरबदल इसकी शेयर होल्डिंग में की गई थी, ठीक है। अब ये 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बन गई है। इसका पुनर्गठन कर दिया गया था, पहले इस टाइप का था, अब जो है तो 50-50% कर दिया गया था, ठीक है। ये तो है इसमें, तो इस पर थोड़ा सा और यदि हम देखें नेक्स्ट उस पर, ठीक है। तो ये शेयर होल्डिंग का इसमें मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस प्रकार से किस एक्ट के तहत ये गठित हुई थी, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत जिस तरह से हुई थी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक आध दो पॉइंट इसके हैं जो तो आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। इसको भी मतलब कि ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है यति। यति क्या है ये भी पूछ सकता है कभी। तो यति आप लोग यहाँ पास देख सकते होंगे, यहाँ पास डायग्राम हमने यहाँ पास मतलब कि चित्र में दिखाया भी गया है कि ये कुछ फुटप्रिंट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। पैरों के निशान बड़े बड़े दिख रहे होंगे बर्फ में, है ना। तो यही यति है ना। यहाँ पास 32x15 inch के रहस्य में पैरों के निशान की तस्वीरों को यहाँ पर सेना ने इसका दावा किया था कि ये उच्च हिमालय में उसके जो पर्वतारोहण जब अभियान दल हो रहा था तो उस समय जो पौराणिक जो जानवर यति है इसको देखने का दावा किया था सेना ने अपने, है ना। तो इसी से संबंधित था। तो यदि हम इसके बारे में जाने कि आखिर यति कौन है, तो ये यति जो है ये पौराणिक प्राणी है ना जो भारत नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र में मौजूद है। यति शब्द नेपाली शब्दकोश से आया है जिसका अर्थ होता है घिनौना हिमानव ना। इसे तिब्बती लोक कथाओं में मेह तेहरी कहा जाता है। शहरी किंवदंती के अनुसार तो यति दो पैरों वाला सफेद जबरा लंगूर जैसा जानवर है, इसका ऐसा मानना है। यानी कि कह सकते ये जो भी कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है ना, न कोई अभी रियलिटी इसमें नहीं ज़्यादा देखने को मिल रही, खाली पैरों के निशान देखे गए हैं। और इसे 10-20 feet लंबा बताया गया है ना। स्थानीय लोगों के अनुसार जंगली वालों वाले पुरुषों की एक प्रजाति जंगली और सबसे दुर्गम पहाड़ों में गई पाई जाती है ना। इसके यदि हम एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो इसके अस्तित्व का कोई प्रामाणिक प्रमाण तो नहीं मिला है ना। ये कभी भी नहीं देखा गया है और इसे अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा कोई प्राणी मौजूद ही नहीं, यानी इसके होने की कल्पना भी नहीं किसी साइंटिस्ट ने की है। स्टार्टिंग से आपके करंट अफेयर्स की जो सीरीज की स्टार्टिंग हमने कर दी है और इसमें से जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहां पर बता सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। निश्चित तौर पर टीम आपका ये समस्याओं का निदान करेगी और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी ताकि सभी लोग बेहतर तरीके से किसी भी प्रकार से करंट अफेयर्स की समस्याओं से दो चार ना हो ना। करंट अफेयर्स हम आपको पूरी तरह से निःशुल्क देंगे और बेस्ट करंट अफेयर्स देंगे। आप बाजार में देख सकते हैं ये बेस्ट कंटेंट होगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं। हाँ ये है कि आप इसको 2-3 times देखेंगे निश्चित तौर पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।